दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इंडियन वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट की जो है मुकाबला खेला जाना है। 24 वर्ष बाद जो है कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट की वापसी हो रही है, और न केवल वापसी हो रही है बल्कि एक नए इनिशिएट के साथ जो है इसकी वापसी की जा रही है, जहाँ पर वुमेन क्रिकेट को जो है इसका हिस्सा बनाया गया। जहाँ 24 वर्ष पहले यानी कि 1998 के दौरान देखे तो मेन्स टीम जो है इस इन गेम्स का जो है हिस्सा बनी थी 1998 में, जहाँ पर और तो वही उसके बाद अब 2022 में देखे तो वुमेन्स क्रिकेट को जो है इसका हिस्सा बनाया गया, जहाँ पे आज से जो है इसकी शुरुआत हो रही है। और भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम जो है इस टूर्नामेंट का जो है आगाज करते नजर आएंगे, जहाँ मुकाबला 4:30 बजे शुरू होगा। और अगर हम अगले कुछ दिनों का जो है हफ्ते भर का जो है क्रिकेट का जो टूर्नामेंट चलने वाला है इसका पूरा शेड्यूल बता दे तो दो ग्रुप जो है डिवाइड किए गए हैं, कुल 8 टीमें होने वाली हैं इस पूरे टूर्नामेंट पर, जिसमें एक ग्रुप की बात करें तो उसमें भारतीय टीम, पाकिस्तान और साथ साथ देखें तो ऑस्ट्रेलिया और बारबाडोस की टीम होने वाली है। तो वही अगर हम बी ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर देखें तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और साथ साथ श्रीलंका की टीम होने वाली है। जैसे में भारतीय टीम के जो मुकाबले हैं वो आज अपना पहला मुकाबला खेलेगी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ, और तो वही अगला मुकाबला जो होगा उसका 31 जुलाई को, जो कि क्रिकेट का हम कहें इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला भी होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी भी कही जाती है। ये दोनों टीमें जो है एक दूसरे के सामने भिड़ती नजर आएंगी। तो उसके बाद 3 अगस्त को जो है भारतीय टीम को अपना लीग स्टेज का अंतिम मुकाबला खेलना है बारबाडोस के खिलाफ। तो वही 6 अगस्त को जो है सेमीफाइनल मुकाबले होने हैं, 2 सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। तो वही उसके बाद 7 अगस्त को जो है ब्रॉन्ज मेडल और साथ साथ गोल्ड मेडल के लिए मुकाबले होंगे, जहां पे ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, तो वही गोल्ड मेडल का मुकाबला जो है वो रात को 10:30 बजे खेला जाएगा। तो काफी रोमांच भरे मुकाबले जो है यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं अगले कुछ एक हफ्ते के दौरान। तो हम सब उम्मीद यही करते हैं कि भारतीय टीम का जो एक एम है गोल्ड मेडल जीतने का वो हासिल करे, क्योंकि भी हाल ही में देखे तो भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है और साथ साथ उप कप्तान स्मृति मंदाना ने अपना एक एम भी जाहिर किया था कि वो इस बड़े मंच पर जाकर के भारतीय टीम को जो है गोल्ड जिताना चाहते हैं। तो वो सब हमारी सबकी ओर से देखे तो पूरे भारतीय फैंस की ओर से इंडियन वुमेन क्रिकेट को जो है बेस्ट विशेष है कि वो यहाँ जाकर के इस बड़े मंच पर जो है गोल्ड मेडल जीत करके ना केवल गोल्ड मेडल जीते बल्कि साथ साथ भारतीय टीम का झंडा जो है वहां लहराकर आए। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।